नमस्कार, नेक्स्ट माइंड लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ दिल्ली में हुए श्रद्धा वालकर केस की। श्रद्धा वालकर के केस में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासे इतने ज्यादा खौफनाक है कि हर कोई भी सुनकर हैरान और परेशान होने के लिए मजबूर हो रहा है। इसी कड़ी में अब श्रद्धा वालकर केस में दिल्ली पुलिस के हाथ एक काली पॉलिथीन लगी है। मिली जानकारी के मुताबिक ये काली पॉलिथीन वही है जिसमें आफताब आमिर, जो इस केस का मुख्य आरोपी है, उसने श्रद्धा के खून से लथपथ कपड़ों को इस पॉलिथीन में भर के फेंका था। पुलिस के हाथ ये पॉलिथीन उसी जंगल से लगी है जहां पर श्रद्धा की बॉडी के पार्ट्स भी पुलिस को इससे पहले मिल चुके हैं। माना ये जा रहा है कि इसी पॉलिथीन में श्रद्धा के उन कपड़ों को आफताब ने फेंकने की या फिर ठिकाने लगाने की कोशिश की थी जो श्रद्धा ने अपनी जान गंवाने से पहले यानी कि अपने आखिरी वक्त में पहने हुए थे। पुलिस के हाथ उस ही जंगल के आसपास की जगह से कुछ कपड़ों के फटे हुए टुकड़े भी मिले हैं। हालांकि अभी ये कह पाना मुश्किल होगा कि क्या ये कपड़े श्रद्धा के ही हैं और क्या ये कपड़े वही कपड़े हैं जो श्रद्धा ने अपने आखिरी समय में पहने हुए थे। पुलिस ने इस काली पॉलिथीन और उन कपड़ों के कुछ टुकड़ों को अपने साथ बरामद कर लिया है, उन्हें जब्त कर लिया और अब पुलिस जल्द ही उन्हें फॉरेंसिक टीम को सौंपने वाली है। अगर ये कपड़े श्रद्धा वालकर के ही है तो आपको बता दें कि ये इस केस में अब तक का सबसे अहम सबूत साबित हो सकता है, क्योंकि इस पॉलिथीन और साथ ही उन कपड़ों के टुकड़ों में कुछ खून के धब्बे भी पाए गए हैं। तो यानी कि साफ तौर पर अगर ये कपड़े और ये पॉलिथीन श्रद्धा वालकर के इससे जुड़ी हुई है तो इसमें जो खून के धब्बे हैं वो श्रद्धा वालकर के डीएनए से मैच होने चाहिए। जहां एक ओर पुलिस शव के साथ मिली हुई हड्डियों से डीएनए मैच करने की कोशिश कर रही है और अब इस बीच जिस तरह से ये टुकड़े और पॉलिथीन हाथ लगी है, माना ये जा रहा है कि अगर ये पॉलिथीन और इन टुकड़ों में जो खून है उससे डीएनए मैच हो जाता है तो ये बात साफ हो जाएगी कि आफताब आमीन पूनावाला ने ही श्रद्धा की जान ली है और साथ ही उसके शव को ठिकाने लगाने की पूरी कोशिश की, साजिश की, पूरे होशो हवास में इस पूरे घिनौनियत भरे कांड को अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं अब इस केस में आफताब पूरी तरह से फंस चुका है, उसके इस केस से बच निकलने का एक भी रास्ता नहीं बचा। इंतजार रहेगा कि अब जब इन कपड़ों की और इन पॉलिथीन की पुलिस साथ ही फॉरेंसिक टीम जांच करती है तो आखिरकार क्या सच सामने आता है। हालांकि आपको क्या लगता है कि क्या डीएनए मैच होगा या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इस खास वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।